दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी संख्या का घन या वर्ग कैसे निकालते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर जाके ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और आपको बताते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर हम किसी भी संख्या का वर्ग और घन आसानी से या चुटकियों में कैसे निकालते हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आपको पूरी और सही जानकारी मिल सके। तो इसको करने के पहले सबसे पहले हमें एक्सेल को ओपन कर लेना है। तो ये देखिए हमें प्रोग्राम लिस्ट में एक्सेल नज़र आ रहा है। जैसे हमने स्टार्ट पे क्लिक किया ये हमें एक्सेल नज़र आ रहा है क्योंकि हमने कई बार इसको ओपन किया है। तो ये हमारे प्रोग्राम लिस्ट में दिख रहा है। अगर आपको नहीं दिखता है तो आप प्रोग्राम आल नीचे देखिए आल प्रोग्राम लिखा हुआ है, आल प्रोग्राम पर क्लिक कर लें और ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पढ़ाया जाता है। तो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक कर लें और ये देखिए आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल यहाँ से नज़र आ जाएगा। इस पर क्लिक करके इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो ये खुलने में थोड़ा सा 4 से 5 सेकेंड का टाइम लेगा। देखिए खुल चुका है। अब हम यहाँ पर आपको किसी भी संख्या का वर्ग और घन कैसे निकालते हैं वो आपको बताने वाले हैं। तो ये देखिए अभी हमने जो सेल सेलेक्ट करके रखा है B4। दोस्तों इस सेल का जो एड्रेस है वो B4 है, बी नंबर कालम है, बी कालम है और 4 नंबर रो है, तो इसका एड्रेस क्या कहलाएगा B4। तो इस पर हम आपको बताते हैं कैसे हम 5 यानी संख्या 5 का वर्ग कैसे निकालेंगे। तो हमें सबसे पहले कीबोर्ड से इक्वल का साइन टाइप करना है, फिर 5 लिखना है और कैरेट का साइन देना है। तो कैरेट का साइन देने के लिए हमें ये देखिए नंबर बटन जो होती हैं अल्फा बिट जो कीज होती हैं उनके जस्ट ऊपर 6 लिखा होगा और उसी बटन पे कैरेट का साइन बना होगा। तो आपको शिफ्ट के साथ दबाना है उसको। तो जैसे शिफ्ट के साथ दबाएंगे कैरेट का साइन लग जाएगा और फिर 2 लिखेंगे तो 5 की पावर 2 माना जाएगा। अब इसमें इंटर बटन केवल पुश करेंगे तो हमारा जो 5 का वर्ग है वो आसानी से निकल जाएगा। अब हम इंटर बटन अपने कीबोर्ड से पुश कर देते हैं। ये देखिए 25 आ चुका है। तो अगर आप किसी भी संख्या का वर्ग अपने एक्सेल पर निकालना चाहते हैं, अपने एक्सेल एप्लीकेशन पर निकालना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको इक्वल का साइन देना है, फिर वो संख्या लिखनी है जिसका कि आपको वर्ग निकालना है, फिर उसके बाद कैरेट का साइन। कैरेट का साइन कहाँ से आएगा, जहाँ से जिस नंबर जिस बटन पर 6 लिखा हुआ है अल्फाबेट कीज के ऊपर उसी को शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो कैरेट का साइन लग जाएगा, फिर 2 लिखेंगे तो पावर 2 माना जाएगा, एंटर करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से अगर घन निकालना है तो सेम प्रोसेस है, इक्वल का साइन दबाइए, अभी जैसे 4 का हमें घन निकालना है 4 लिखा और कैरेट का साइन शिफ्ट के साथ जिस बटन पे ये कैरेट का साइन बना हुआ शिफ्ट के साथ उसको दबाएंगे और फिर 3 लिखेंगे। फिर घन निकालने के लिए हमें उसी संख्या का उसमें 3 बार गुणा करना पड़ता है, तो हम 3 लिखेंगे और एंटर बटन दबाएंगे। ये देखिए हमारा 4 का जो घन है वो वापस आ गया है। तो बड़ी ही आसानी और बड़ी सुगमता के साथ हम किसी भी संख्या का वर्ग और घन अपने एक्सेल एप्लीकेशन पे बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों तो कैसी लगी हमारी वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।